दोस्तों आज बात करते हैं रेलवे में टीटी कैसे बनते हैं और इनकी कितनी सैलरी होती है। इसमें एनटीपीसी नाम की वैकेंसी निकलती है जिसमें कि ट्रेन क्लर्क नाम से पोस्ट होती है। इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है 10th+2, जिसमें कि आपके 50% मार्क्स कम से कम आने चाहिए। एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 30 साल। मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A3 का, जिसमें कि आपका जो चश्मा है वो 2 डायोप्टर से ज्यादा उसकी पावर ना हो, कलर ब्लाइंडनेस ना हो और आप पूरी तरह से फिजिकल फिट हो। बात करें सैलरी की तो ट्रेनिंग होने के बाद आप सबसे पहले बनते हैं टीसी, जिसको बोलते हैं टिकट क्लर्क। इनका काम होता है स्टेशन के ऊपर टिकट चेक करना। इनकी तनख्वाह होती है 28 से 30 हजार। प्रमोशन होने के बाद आप बनते हैं टीटीई या टीटीआई, जिसको बोलते हैं ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर या फिर इंस्पेक्टर। इनका काम होता है ट्रेन में टिकट चेक करना और अब आपकी तनख्वाह हो चुकी होती है करीब करीब 40 हजार से ज्यादा। इसके बाद आप बनते हैं सीनियर टीटीई, जिनका काम होता है एसी कोच में टिकट चेक करना। तनख्वाह होती है करीब 70 से 80 हजार। इसके बाद आप बनते हैं सीटीआई, चीफ टिकट इंस्पेक्टर, तनख्वाह होती है 1 लाख से ज्यादा।